अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू लेक्चर, एनियरिज्म एंड वैस्कुलाइटिस पैथोजेनेसिस टाइप्स एंड क्लिनिकल कोर्स। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टॉपिक एंड आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन टाइम। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसके ऊपर से आई जस्ट एम्फसाइज ऑन द बेसिक्स एंड मूव ऑन, और आप उसको बाद में आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। कोई इशू हो तो आप यू कैन ऑलवेज ईमेल मी एंड देन वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन्यूरिज्म्स, वैस्कुलाइटिस एंड देयर पैथोजेनेसिस, दे आर स्पेसिफिकली डिफरेंट टॉपिक्स। तो अभी हम सिर्फ एन्यूरिज्म्स और डाइसेक्शन पे बात करते हैं। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वील टॉक अबाउट वैस्कुलाइटिस एंड देयर टाइप्स एंड व्हाट क्लिनिकल कोर्स दे टेक। सो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ पेशेंट्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनको आप कभी भूल नहीं सकेंगे, एंड ऑब्वियसली दीज पेशेंट्स आर फ्रॉम सर्टेन एरियाज जहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिजीज एंडेमिक है, और कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनके अंदर आपको कुछ ऐसे डिजीज़ मिलेंगे जो डिजीज़ बहुत अनकॉमन है, ऐसे डिजीज़ जो कि आपको आम तौर से नज़र नहीं आते लोगों के अंदर। और इनमें से कुछ डिजीज़ जिनके नाम हमने अभी सामने नज़र हमारी नज़र आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म के एनोरिज्म्स हैं। सो फॉर एग्जांपल यू आर इन द वार्ड एंड यू आर पैल्पेटिंग अ पेशेंट ऑन हिज एब्डोमेन, और एंड यू हैव यू फील अ मास विच इज़ पल्सेटिंग। तो एक बहुत अजीब सी फाइंडिंग है, आपने अपना एब्डोमेन पता नहीं कितनी बार पैल्पेट किया होगा। जब नई नई पैल्पेशन सीखते हैं तो उसके बाद पहला काम ये करते हैं कि अपने आप को ही पैल्पेट करना शुरू कर देते हैं। एंड अगर कोई मास हो बड़ा सा और वो साथ में पल्सेट कर रहा हो, तो आप उस फीलिंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको वो क्या फीलिंग आएंगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टाइम जब आपने एक ऐसा मास देखा होगा, एंड दिस कुड बी एन एब्डोमिनल एओर्टिक एनियरिज्म, राइट? So I can still remember it was 2003 probably, and I was in my third year. और मुझे एक एक जब मैं वार्ड में एंटर हुआ, सर्जिकल वार्ड था, तो एक साहब जो थे वो बिस्तर पे बड़े खुश खुश बैठे हुए थे। आई आस्क हिम कि जी पेशेंट कहाँ है, बिकॉज ही डिडंट लुक लाइक अ पेशेंट, ही वॉज एन ओल्ड मैन। तो उसने कहा जी मैं पेशेंट हूँ। तो मैंने पूछा आपको क्या हुआ है, बिकॉज ही डिडंट लुक लाइक अ पेशेंट। तो उसने मेरा हाथ लिया और अपने पेट के ऊपर रखा और उसने दबाया, तो आई कुड फील समथिंग लाइक स्टोन इन हिज एब्डोमेन, और बहुत सारी गुठलियां सी थी पत्थरों जैसी। आई कैन स्टिल हैव दैट, आई कैन स्टिल फील दैट, कि वो मेरे जहन पे इतनी शदीद तरीके से नक्श हो गई चीज़ के मैं आज तक उसको भूला नहीं। एंड दैट गाय हैड लिम्फोमा, तो वेरी प्लेजेंट गाय, यकीनन वो बहुत ज़्यादा अरसे चला नहीं होगा, बट उसका जो मूड था उसने मुझे, और वो जो फीलिंग उसने मुझे दी कि उसने मेरा हाथ लेके अपने पेट पे खुद रख के दबाया, एंड मेड मी फील व्हाट ही हैड। तो दैट इज समथिंग आई कैन नॉट फॉरगेट, बावजूद इसके कि मैंने उसके बाद हाउस ऑफ के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं किया सच। लेकिन बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आप अपनी लाइफ में देखेंगे, जिसमें स्पेशली वैस्कुलाइटिस के पेशेंट्स हैं, एनियरिज्म के पेशेंट हैं, दीज आर रेयर केसेस जो आपको मिलते हैं। आपको एक ऐसा डिजीज मिल जाए कि जिसके अंदर आप रेडियल पल्स ढूंढ रहे हैं और आपको पल्स नहीं आ रही, और आप बड़े हैरान है कि भाई ये पल्स कहाँ चली गई इसकी, नॉर्मली तो हर बंदे के पल्स आती है। एंड देन यू फाइंड आउट कि देयर इज अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड पल्सलेस डिजीज, जहाँ पे पल्सेस जो हैं वो गायब हो जाती हैं। मुमकिन है आप में से कुछ लोगों ने पहले से पढ़ रखा हो, माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, मेरी तरह नालायक तो नहीं होंगे। सो बट दीज आर इंस्टेंसेज व्हिच यू कैन नॉट फॉरगेट इन योर लाइफ, बिकॉज दे आर सो रेयर एंड सो रिमार्केबल। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। So what are we supposed to do today? We'll talk about aneurysms. We'll talk about aortic dissection. We would want to know ke true and false aneurysms mein fark kya hota hai. We should be able to list the uncommon types of aneurysms. Ye wala jo hai na, isko maine remove kar diya tha because material bahut zyada tha. To ye do line hai, wo main aapko bata dunga. We would want to know ke what are the factors which are associated with aneurysm formation. You should be able to explain the factors in your viva, list them at least. Aapko memory ke andar uski list aapke zehen mein honi chahiye. You should be able to discuss the differences between abdominal and thoracic aortic aneurysms, and should then we'll move to the second section of our lecture, and that is vasculitis.
एंड हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैस्कुलाइटिस, राइट, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज वैस्कुलाइटिस. तो व्हाट इज एन एनियुरिज्म? इट इज अ कॉन्जेनाइटल और अक्वायर्ड डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और हार्ट. सो द एनियुरिज्म कैन अकर इन द हार्ट, इट कैन अकर इन द ब्लड वेसल. यू कैन सी एन एओर्टिक एनियुरिज्म हियर, राइट. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनियुरिज्म्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ एनियुरिज्म इज दैट वन विच कंटेन्स ऑल द वेसल लेयर्स लाइक इंटेमा, मीडिया और एडवेंटिशिया, तीनों उसमें मौजूद होंगी. तो हम उसको कहेंगे कि जनाब ये एक ट्रू एनियरिज्म है. अब ये किस किस किस्म के होते हैं, यू माइट बी आस्क, जी प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स एनियरिज्म इन योर वाइवा एंड शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. ट्रू एनियरिज्म्स विच हैव ऑल द थ्री लेयर्स, फॉल्स एनियरिज्म्स विच आर डिफेक्टिव विच डू नॉट हैव द थ्री लेयर्स. अब उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं या कौन कौन से एनियरिज्म होते हैं. नॉर्मली एथरोस्क्लेरोटिक एनियरिज्म्स जो होते हैं या कॉन्जेनाइटल एनियरिज्म्स जो होते हैं या वो एनियरिज्म्स वेंट्रिकल्स के जो के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नतीजे में बनते हैं, दे आर ऑल ट्रू एनियरिज्म्स, दे हैव ऑल द थ्री लेयर्स. एज कम्पेयर टू दैट, इफ वी टॉक अबाउट फॉल्स एनियरिज्म्स या सूडो एनियरिज्म्स, दे डू नॉट हैव द कम्प्लीट कवर ऑफ थ्री लेयर्स. जनरली दे अकर When the wall defects lead to the formation of an extravascular hematoma, जो कि बाहर से कम्युनिकेट करता है, it is a bulge in the vessel wall or the heart. It's called as pulsating hematoma, and generally it occurs after the ventricular rupture, which has a pericardium adhesions to it. तो ventricle wall rupture हो गई है, उसका कुछ हिस्सा may be intact है और बाकी बाहर जो है वो पेरिकार्डियम ने उसको कवर किया हुआ है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स एनियरिज्म. और एनी लीक एट द जंक्शन ऑफ द वैस्कुलर ग्राफ्ट विद अ नेचुरल आर्टरी. तो ये दो केसेस होते हैं सूडो एनियरिज्म्स के. अगेन यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन हैं, यहाँ पे दो हैं. सो यू माइट गेट समथिंग लाइक एन एमसीक्यू आउट ऑफ दिस स्लाइड एज वेल. तो ये याद कर लीजिएगा अच्छे से. Now we come to look at it. So this is a normal vessel. It has all the three layers. Aneurysms को हम shapes की basis पे भी classify करते हैं. एक ऐसा ऐसा aneurysm होता है जो कि sac-like होता है, एक थैले की तरह होता है. And this is one. The second one is a sac-like or secular aneurysm. एक aneurysm होता है जो कि दोनों throughout continuously across the vessel जो diameter है उसपे आपको मिलेगा. It is fusiform in shape. और ये जो है ट्रू एन्यूरिज्म होता है. फॉल्स एन्यूरिज्म जो है, अगेन वी कैन लुक एट इट कि ये एक रप्चर है, रप्चर के थ्रू बाहर की एक लेयर या कनेक्टिव टिश्यू ने जो है उसको कवर किया हुआ है. नतीजा क्या निकल रहा है कि ये एक ऐसा हेमाटोमा है विच इज गोइंग टू पल्सेट विद द वेसल वॉल. तो पल्सेटिंग एन्यूरिज्म होगा, इट इज अ फॉल्स एन्यूरिज्म. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट द ब्लड इट गेट्स इन टू वेसल वॉल लेयर्स और प्रेशर की वजह से इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम दी अदर साइड. यहाँ बना हुआ नहीं है बट इट माइट ब्रेक आउट फ्रॉम दी अदर साइड. इट विल लीड टू अ पैरेलल चैनल. ठीक है, वेसल के अंदर ही एक पैरेलल चैनल बन जाएगा ब्लड फ्लो का. इसको हम कहते हैं डिसेक्शन. ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा आगे जाके आएंगे दोबारा एंड विल टॉक मोर अबाउट एनियरिज्म्स. What are the factors which are associated with aneurysm formation? Now you should understand कि जी vessel wall जो है, it is made up of muscle and connective tissue. So अगर कोई भी ऐसी problem है which is related to defective connective tissue lay down, it will lead to an inadequate connective tissue protection, or it will lead to a weaker connective tissue synthesis. So in case of any condition which could be inadequate or abnormal, which could lead to inadequate or abnormal connective tissue synthesis, it will lead to aneurysm formation. अब connective tissue बन ठीक नहीं रहा है, दूसरी condition क्या हो सकती है, वो degrade ज्यादा हो रहा है. ठीक है, तो there could be three examples of inadequate or abnormal connective tissue synthesis. One is tumor growth factor, beta receptors key mutations. Second one is Marfan syndrome, type 4 Ehlers-Danlos syndrome. इसके अंदर different किस्म के proteins होते हैं connective tissue के जो
डिफेक्टिव होते हैं. आई विल नॉट नॉट गो इनटू द डिटेल्स, आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन. सो इफ यू टॉक अबाउट इंक्रीज डिग्रेडेशन, सो देर वुड बी सर्टेन एंजाइम्स विच आर डिग्रेडिंग द कनेक्टिव टिश्यू एज अ नॉर्मल प्रोसेस. रिमेंबर दैट आर्टरीज आर डायनेमिक टिश्यूज, इसमें नया टिश्यू, नया कनेक्टिव टिश्यू सिंथेसाइज होता रहता है, पुराना डिग्रेड होता रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ कंडीशन इन विच देर इज एन एंजाइम म्यूटेशन विच इज लीडिंग टू इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, इट विल अगेन लीड टू एंड इट विल बी एसोसिएटेड विद और इट विल लीड टू एनरिज्म फॉर्मेशन. Then what can happen if the smooth muscle cells are lost due to some reason, or the synthesis of smooth muscle is changed due to certain pathologic conditions, due to certain birth conditions, there is fibrosis because of continuous injury. So all will lead to intimal change, and then it might lead to the formation of an aneurysm. Atherosclerosis and hypertension are other two reasons because they cause continuous injury. Trauma, vasculitis, congenital defects, and certain infections. How do infections work? Infections may the bacteria or other organisms, they can get themselves stuck into the vessel wall, and then the inflammatory reaction from the vessel wall increases. So there's chronic inflammation there. And this leads to vessel wall injury, and it might lead to weakening of the vessel wall, and that would lead to the aneurysm formation. So these are a few factors which you need to remember as a list. Okay, either it is connective tissue synthesis, or it is in defect in the connective tissue synthesis, or it's increased degradation by metalloproteinases or other enzymes, or it could be abnormal smooth muscle cells. It could be chronic injury in the form of hypertension. It could be atherosclerosis, it could be trauma, it could be vasculitis, congenital defects, and certain infections, right? So let's move on. Now we need to differentiate between abdominal and thoracic aortic aneurysms. Again, these are the favorite questions for the Viva. So we classify them according to where they have occurred. So you know that if you imagine that the aorta arises from the heart and then it takes a tilt and goes back, it takes a U-turn and goes back, and then different arteries are arising right where the U-turn is being taken, and one of them is subclavian artery, you know that. So if the aneurysm is before subclavian artery, or it is after the subclavian artery in the thorax, or it is in the abdomen. So we classify these into thoracic and abdominal aneurysms, and then we call them, we give them another name that is called DeBakey's classification. So, ho sakta hai aapse aapke Viva mein pooch liya jaye. I'll just jump to that particular slide and then come back. See, so here the vessels are arising from the aorta. So if it's this one is arising before the great vessels which are arising from the aorta. So this is a thoracic aneurysm. It will be called DeBakey's type, DeBakey's 1. The second one is DeBakey's 2. Sorry, it goes beyond this as well. The second one is DeBakey's 2, and the third one is only present going down from after the subclavian artery, right? But it's not present before. That's called DeBakey's 3. So the different classifications, and you need to remember them. Ki kaun si classification mein kya ho raha hai. We come back. So it's generally understandable that ki aneurysm jahan par hoga, wahan pe jo related organs honge ya wahan pe jo related structures honge, unse related symptoms develop honge. So for example, if you talk about abdominal aneurysm, abdominal aorta se aapko renal arteries nikalti hui nazar aayengi. So it can obstruct a branch of aorta, jo ke renal arteries ho sakti hain, would lead to hypertension and all that other issues as well. It can also lead to embolism of erythromatous material. It can impinge on the structures which are present close by. You can feel an abdominal mass which is
which will be pulsating and would look like a tumor on palpation. Rupture ho sakta hai peritoneal cavity ke andar because the aneurysm is a weakened arterial wall aur wo kabhi bhi rupture ho jata hai. Thoracic aortic aneurysms are generally associated with hypertension. They could be associated with the bicuspid aortic valves, Marfan syndrome, disorders caused by mutations in the tumor growth factor beta signaling pathway. What will be the effects? It will also cause the impingement of the close by structures. You can feel that the you can see that patient has the respiratory difficulties. You might have if the the aneurysm is impinging upon or pushing the respiratory structures. If esophagus, then it will lead to feeding difficulties. It can irritate the recurrent laryngeal nerve, and you will see that the patient is having persistent cough. Bone erode कर रहा है पीछे, तो उसकी वजह से pain होगा. Cardiac issues हो सकते हैं और aortic dissection हो सकती है और rupture हो सकता है. तो thoracic aortic aneurysm के ये features होते हैं. Okay. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. अभी तक हमने पढ़े एन्योरिज्म्स. मैं जल्दी से एक दफा रिकैप कर देता हूँ. एन्योरिज्म्स के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स एन्योरिज्म्स होते हैं. हमने ये देखा कि हमारे पास स्ट्रक्चरली डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकती हैं. थोरेसिक और एब्डोमिनल होते हैं. देन देयर इज डीबेकीज क्लासिफिकेशन 1, 2, and 3. उसके बाद जनाब हमने ये देखा कि थोरेसिक और एब्डोमिनल एन्योरिज्म्स जो सिम्टम्स क्रिएट करेंगे, वो सिम्टम्स जो हैं दे वुड बी बिकॉज ऑफ the structures which they are surrounded by. They can lead to different types of symptoms because of the structures which are around it. They get affected by these aneurysms, and you will have different types of effects on the patients. You can see different types of effects on the patients because of the if there is an abdominal aneurysm or if there is a thoracic aneurysm. वहाँ ऊपर जो है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, डाइजेस्टिव सिम्टम्स होंगे, कफ होगी. नीचे आपको नॉर्मली जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर जो इफेक्ट्स हैं वो मिलेंगे. हाइपरटेंशन हो सकती है वगैरह वगैरह. देन लेट्स टॉक अबाउट एओर्टिक डिसेक्शन. सो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एट टाइम्स क्या होता है कि एक वेसल वॉल की वीकनेस की वजह से द ब्लड गेट्स इनटू द वेसल बिटवीन द वेसल वॉल्स एंड उसके बाद वो फ्लो करता है थ्रू अ सेकंड चैनल एंड देन इट कम्स आउट अगेन एंड सो इट बिकम्स अ सेकंड चैनल अ पैरेलल चैनल इनटू द वेसल वॉल. तो इन जनरल जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मेजर केसेस जो हैं वो मेन में है 40 टू 60 इयर्स ऑफ एज में. और इसका रीजन जो है या इसकी जो एसोसिएशन है दैट इज विद हाइपरटेंशन. हाइपरटेंसिव मेन हैविंग एज ऑफ 40 टू 60 जनरली सीवियर किस्म की हाइपरटेंशन होती है मोस्ट कॉमन के उसके उनके अंदर आपको ये aortic dissection मिलेगी. Then there are younger patients जिनमें कोई connective tissue abnormality है, for example Marfan syndrome है या वही पीछे जो हमने पढ़ी थी, उनकी वजह से vessel wall defect है और उसकी वजह से parallel channels बन जाते हैं, तो this is called aortic dissection. Pregnancy में हो सकता है, at times आप cardiac catheterization कर रहे हैं या कोई और इस तरह का process कर रहे हैं, तो you can also generate an iatrogenic aneurysm dissection. Sorry. Oh. Okay. So I think I mixed dissection and aneurysm somewhere. I'm sorry about that. ये जो मैंने आपको DBK's classification बताई थी, ये aneurysms की नहीं थी, ये dissections की थी. अच्छा जी. Signs and symptoms. So अचानक से पेशेंट को फील होगा एक एक्सक्रूशिएटिंग टीयरिंग और स्टैबिंग पेन. चेस्ट में होगा, इट विल रेडिएट टुवर्ड्स द बैक और जैसे जैसे डिसेक्शन नीचे की तरफ जाएगी इट विल आल्सो लीड टू द पेन गोस पेन विल गो डाउन और अचानक से रप्चर हो जाता है इनटू द पेरिकार्डियल प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटी और उसके नतीजे में डेथ हो सकती है. So, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर मूव करेंगे एंड दैट इज वैस्कुलाइटिस. राइट. सो वैस्कुलाइटिस इज एज यू नो दैट
the term itis, it shows that there's inflammation, right? So vasculitis is the term for vessel wall inflammation. Now there are different mechanisms by which vasculitis occurs. अब उनमें से कुछ ऐसे होते हैं which are immune mediated inflammations, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि infectious pathogens की वजह से vasculitis होता है. जो second वाला है, जब infectious pathogens vessel को invade करते हैं तो उसके नतीजे में भी you will have different type of inflammatory responses developing against the infectious pathogens, and this inflammatory response also affects the vessel wall as well. So iske andar bhi aapko ek immune mediated mechanism ka component milega, but the fact is that the treatment you give is different in both the cases. So you need to identify ki isme kaun sa different kisam ka जो है वो वैस्कुलाइटिस हुआ है. नाउ जब हम क्लासिफिकेशन पे जाते हैं तो यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स एंड पीपल हैव ट्राइड टू ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेज. सो यू कैन डिवाइड अ वैस्कुलाइट टाइप ऑफ वैस्कुलाइटिस थ्रू वेसल डायमीटर. लार्ज साइज वेसल है, मीडियम साइज वेसल है, कैपिलरीज हैं. So if you can, you can classify them according to different types of the sizes of the vessels. Ke vessel ka size kya hai? Acha ji, whether there are immune complexes present or they are not present. What is immune complex? Antigen antibody complex. They get deposited and into the vessel wall and result in inflammation of the vessel, and that again leads to, that is again vasculitis. So the third one is the presence of a specific autoantibodies. Autoantibodies can be generated against different pathogens, or which then finally cross react with the structure of the body, different structures of the body. So hamare paas jo autoimmune reactions hote hain, iska component bhi hame milta hai, jiske natije mein the vessel antibodies banti hain. Wo antibodies, they go and start reacting with the vessel walls, and sometimes what happens is that these vessel walls may occur, for example, in kidneys, in lungs, and you will have a different type of symptoms. For example, agar kidneys or lungs simultaneously involve ho rahe hain, to ek patient aapke paas aa raha hai and the patient is having hematuria and hemoptysis. उसको कफ में भी ब्लड है, उसको यूरिन में भी ब्लड है. नाउ यू आर कंफ्यूज कि जी जब हमें हेमोटिसिस हेमोप्टिसिस का पेशेंट मिलता है तो पहली चीज हमारे ज़हन में आती है कि ट्यूबरक्लोसिस है, बट दिस पेशेंट इज आल्सो हैविंग जो रीनल वैस्कुलेचर इन्वॉल्वमेंट, इसकी वजह से उसको हेमेचूरिया भी है. फिर जनरली क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसकी वजह से आपको बॉडी में डिफरेंट जनरल इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स भी मिलते हैं. फीवर भी होगा, मेलेस भी होगी, वेट लॉस भी होगा. अगर वेसल वॉल कोई इस तरह की इन्वॉल्व है जो कि ऑप्थाल्मिक वेसल है तो ब्लाइंडनेस भी होगी या ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस होगी. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स कि इतना कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स मिल रहा है और आप जो है वो आप क्या डायग्नोज करें. अच्छा, एक डिफरेंस जो आता है फ्रॉम विच वुड बी द ट्रांजिशन बिटवीन योर प्री प्रैक्टिस ईयर्स एंड और प्रैक्टिस ईयर्स कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्लिनिकल प्रैक्टिस, आपको इस किस्म का पेशेंट कोई हजार में से एक मिलेगा. सो यू कैन नॉट, पहली दफा पेशेंट आपके पास आया एंड ही इज कफिंग ब्लड एंड ही इज हैविंग वेट लॉस एंड फीवर, यू विल नॉट स्टार्ट थिंकिंग कि इसको वैस्कुलाइटिस है. ही स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स कि भाई इसको कहीं ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, इसको कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और ऐसी चीज जो हमारे यहाँ कॉमन है, एंड देन यू ग्रेजुअली नैरो डाउन योर डायग्नोसिस टुवर्ड्स दीज रेयर कंडीशंस. But these conditions occur and patients do come and you need to diagnose them as well. And they generally come with the constellation of symptoms. जब आप practically इनको देखेंगे तो आप उनको diagnose करना बहुत आसान नहीं होगा. पर अगर आपके जहन में है ये सारी चीज़ें especially, तो आपको आसानी होगी. एक advice है छोटी सी. There's a book called Churchill Livingstone की एक book है, Differential Diagnosis. छोटी सी pocket book है. आई वुड से उसके अंदर सिम्टम्स दिए हुए हैं बहुत सारे कि आप कौन से सिम्टम्स आएंगे तो कौन से डिजीजेस हो सकते हैं. आई वुड से कि वो बुक आपके आसपास होनी चाहिए जब आप क्लिनिकल काम कर रहे हैं, और आप ये ज़रूर देखें कि फॉर एग्जांपल हेमोप्टिसिस है
तो वो किस किस डिसऑर्डर के अंदर हो सकता है, हिमेचूरिया है तो वो किस किस डिसऑर्डर के अंदर हो सकता है, कोई और इस तरह की एब्डोमिनल मास है किसी किस्म का पर्टिकुलर, अगर आपको राइट क्वाड्रेंट में मास मिल रहा है तो वो किन किन कंडीशंस में मिलता है, लेफ्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो वो किन किन कंडीशंस में मिलता है। सो यू विल हैव एन आइडिया ऑफ दिस डिफरेंट सिम्टम्स व्हिच अकर इन डिफरेंट कंडीशंस। सो आई वुड से के यू शुड बाय दैट बुक चर्च एंड लिविंग स्टोन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वेल कमिंग बैक, सो वेसल डायमीटर, वेसल का साइज बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, सो यू कैन क्लासिफाई these vasculitis according to the vessel diameter as well. Role of immune complexes, whether the immune complexes are present or not, that will also lead to two types of different vasculitis. Whether antibodies are present or not, they're called C ANCAs and P ANCAs and other anti-neutrophil antibodies, whether they are present or not. If they're present, then there would be a different type of vasculitis. If they're not present, there would be a different type of vasculitis. Whether there is formation of granulomas, there are certain vasculitis which involve big vessels and then they lead to the structure, the structural change is called granuloma कहते हैं, white blood cells की और debris की constellations होती हैं, organ specificity, for example, there is a vasculitis which involves only the temporal vessels, or not only, I would say mainly the temporal vessels, and you have to take the biopsy of that. There would be vasculitis which involve ophthalmic vessels, and obviously it will lead to blindness. So, इसी तरह कुछ particular हैं जो कि kidneys को या आपके lungs को involve करती हैं. तो कौन-कौन से organs specifically involved हुए में हैं, उसकी basis पे आप classify कर सकते हैं. And there are certain vasculitis which are epidemiologically present in certain demographics, certain populations, more common in certain areas. इस पे हम बात नहीं करेंगे आज सच, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास different किस्म के vasculitis different अंदाज में classify हुए में हैं. So, what are the signs and symptoms? There is a constellation of signs and symptoms. There could be any sign and symptom which would depend upon the area which is involved. So liver involved है तो different sign of symptoms होंगे, kidney involved है तो different होंगे, eyes involved है तो different होंगे. So it is mainly dependent upon the area where the vasculitis is occurring. But there are signs and symptoms of systemic inflammation as well. So, fever हो सकता है, myalgias हो सकते हैं, pain in joints हो सकता है, general bad feeling हो सकती है. तो इस तरह की different conditions जो हैं, वो आपको vasculitis के अंदर accompanying मिलेंगी, weight loss हो सकता है. Now अच्छा, दो स्लाइड्स हैं जिनके ऊपर मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस ऑफ व्हाटएवर एवरीथिंग व्हाटएवर स्टफ इज प्रेजेंट बियॉन्ड दैट, और उसको आप खुद से देख सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड समराइज दिस फॉर यू, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस, दिस इज अ लार्ज वेसल, एओर्टा, राइट? सो देयर वुड बी सर्टेन वैस्कुलाइटिस व्हिच विल इन्वॉल्व द लार्ज वेसल एंड अप टू सम एक्सटेंट मीडियम वेसल्स. ये जो पीछे हमने क्लासिफिकेशन स्कीम्स देखी थी उनके अंदर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, ठीक है? सो कुछ ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस हैं जिनको हम फॉर एग्जांपल जायंट सेल आर्थराइटिस कहते हैं, टाकायासूस आर्थराइटिस कहते हैं. ये जो दो आर्थराइटिस हैं ये लार्ज टू मीडियम वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं. फिर हमारे पास कुछ इस किस्म के आर्थराइटिस हैं जो कि मीडियम वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं मेनली. लार्ज में आपको लार्ज की इन्वॉल्वमेंट आपको एज सच बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, और आमतौर से इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास पोलियार्थराइटिस नोडोसा है और कावासाकी डिजीज है. कावासाकी डिजीज के अंदर आपको एंटी एंडोथीलियल सेल एंटीबॉडीज मिलेंगी, और पोलियार्थराइटिस नोडोसा के अंदर आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड आर्थराइटिस मिलेगा. अच्छा, अब ये जो फीचर्स है ना, अलग 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 अलग, ये आगे एक चार्ट आ रहा है जो कि थोड़ा देख के आपको डर लगेगा, बट आई वुड से कि वो चार्ट ऐसा है, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन गोइंग थ्रू योर एमसीक्यूज. प्लस ये कि जब आप समराइज करने पे आएंगे इनको, बिकॉज दे आर क्वाइट अ फ्यू, तो आप सारों के फीचर्स याद नहीं कर सकते, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. बट जो मेन है उनके मेन फीचर्स आपको पता होने चाहिए, और जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि भाई कॉम्प्लेक्स इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ बनते हैं, ग्रैनुलोमास कहाँ कहाँ बनते हैं,
लार्ज वेसल्स को कौन इन्वॉल्व करता है, मीडियम वेसल्स को कौन इन्वॉल्व करता है, कैपिलरीज को कौन इन्वॉल्व करता है. नाउ वी मूव ऑन. जो हमारे पास कैपिलरीज और स्मॉल वेसल्स को वेस्कुलाइटिस अफेक्ट करता है, उसमें एक हमारे पास कहलाता है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, एक कहलाता है ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस. ग्रैनुलोमास होते हैं, एस्मा नहीं होता. वेस्कुलाइटिस पिछले वाले में उसमें भी एस्मा नहीं होता. फिर एक और है, उसको श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम कहते हैं, और उसके अंदर आपको एस्मा मिलता है. तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है अमंग द थ्री ऑफ दोज जो कि आपको स्मॉल वेसल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं. इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल उसके अंदर SLE की है, एक एग्जांपल हमारे पास IgA मीडिएटेड की है जिसको हीनोक्सोनलीन परप्यूरा भी कहते हैं. फिर हमारे पास क्रायोग्लोबुलिन वैस्कुलाइटिस है. क्रायोग्लोबुलिन इस तरह की ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि कोल्ड सेंसिटिव होती हैं और प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं टेम्परेचर के ऊपर. एंड देन देयर आर अदर्स जिसको हम गुड पास्टर्स डिजीज कहते हैं. सो दिस इज a bird's eye view of different vasculitis which we are going to study during this lecture. Again, सारे vasculitis के सारे features याद करना मुश्किल काम है. आप लोग शायद कर लें, लेकिन humanly ज़रा मुश्किल लगता है मुझे. और Viva में ये आपसे पूछे जाते हैं differentiating points, especially MCQs बहुत बनते हैं इससे. So सबसे ज़्यादा आसान काम ये है कि जनाब आप ये वाली picture और आगे एक चार्ट आ रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा डरा दिया है, ये दो चीजें आप जरूर अच्छे तरीके से कर लें. सो दिस इज द वन विच कैन यू हियर मी. ऑलराइट, गुड, ओके, थैंक यू बच्चों. तो हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के वैस्कुलाइटिस यहाँ पे गिवन है. जॉइंट सेल आर्थराइटिस, ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस, श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम, पोलियार्थराइटिस नोडुसा, ल्यूकोक्लास्टिक वैस्कुलाइटिस, इसका जिक्र हमने पीछे वाली स्लाइड में नहीं पढ़ा, बर्जर्स डिजीज, पेसेट्स डिजीज. बट आप इस चार्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं. जो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो आपके पास बुक में मौजूद है, लेक्चर्स में भी मैंने स्लाइड्स में लिखे हुए हैं. सो आप उनको वहां से पिक करके और इन सिम्टम्स के साथ इस चार्ट को एक्सटेंड कर सकते हो. सो व्हाट आर द साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट. तो अगर हम जायंट सेल आर्थराइटिस को देखें तो इट इन्वॉल्व्स एओर्टा, इट इन्वॉल्व्स मीडियम साइज आर्टरीज. अब देखो यहाँ से बड़े मजे का एक एमसीक्यू बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट लूंगा जी जायंट सेल रिगार्डिंग जायंट, एक केस लिखूं आपके सामने, द पेशेंट केम विद ब्ला 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 एंड दिस एंड दैट, इतने साल का पेशेंट था और यहाँ पे आया और ये उसको सिम्टम्स थे, उसको उसका डायग्नोसिस हमने किया जायंट सेल आर्थराइटिस. ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं जी कौन सा बेस्ट चॉइस है. तो एओर्टा इन्वॉल्व करेगा, मीडियम साइज इन्वॉल्व करेगा. यहाँ से मैंने कोई से चार पॉजिटिव सिम्टम्स लिए और यहाँ से कोई एक सिम्टम उठा लिया. सो इट विल इट दिस होल चार्ट कैन रिजल्ट इन मे बी पता नहीं शायद 30-40 MCQs इजीली इस तरह के ना. सो यू नीड टू लुक एट दिस चार्ट वेरी केयरफुली एंड वेरी क्लोजली. सो इट इन्वॉल्व एओर्टा, it involves medium sized arteries and it there's no involvement of small sized arteries, capillaries, veins, and if you look at the inflammatory cells which are present, so you can see lymphocytes, macrophages, there won't be no, so it's a chronic inflammation, so you there won't be neutrophils won't be there, eosinophils nahi hai, to allergic component iske andar nahi hai. Granulomas bante hain iske andar. So ab dekho aapke there are two of the arteries जिसके अंदर आपको ग्रैनुलोमास मिल रहे हैं, बाकी में नहीं मिल रहे हैं. सो अगेन दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर. आई कैन आस्क यू कि गिव मी द नेम्स ऑफ टू वैस्कुलाइटिस जहां पे ग्रैनुलोमा फॉर्म होता है, या अगर हम उसको एमसीक्यू के फॉर्म में देख लें तो गिव मी द नेम ऑफ व्हिच अमंग दीज विल रिजल्ट इन ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन. ये आपका बिल्कुल आखिरी वाला जो कनेक्टर होता है ना वो हो सकता है. सो इनमें से किसी एक का नाम हो, इनमें से तीन नाम हो, चार नाम हो और आपके पास एक एमसीक्यू बन गया. सो जायंट सेल्स यहाँ पे कभी होते हैं कभी नहीं होते, दूसरे वाले में भी कभी होते हैं नहीं होते, बट इसका नाम जायंट सेल आर्थराइटिस है. सो अगेन आपसे पूछा जाएगा भाई इफ इज फॉर एग्जांपल एक ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूँ, क्या भाई क्या जायंट सेल्स हैं हमेशा जायंट सेल आर्थराइटिस मौजूद होते हैं? होते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी होते. थ्रोम्बोसिस मिलेगा आपको वेसल्स के अंदर,
जो एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज होती हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। इनको सी एनकास कहते हैं और पी एनकास कहते हैं, तो ये नहीं मिलेगी आपको। क्लिनिकल हिस्ट्री में एज आपको 40 इयर्स ऑफ एज से ज्यादा मिलती है, ठीक है। सो ये इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट वन, ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। ये इसमें एओटा इन्वॉल्व नहीं है। अब आप देखें आगे किसी में भी एओटा इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर एओटा इन्वॉल्व नहीं है। मीडियम वेसल्स इन्वॉल्व है, स्मॉल साइज आर्टरीज इन्वॉल्व है, कैपिलरीज और वेन्स इन्वॉल्व नहीं है। सेल्स आपको सारे किस्म के मिल रहे हैं। ग्रैनुलोमास इसमें होते ही होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंशिएटिंग फीचर जो इसका जायंट सेल आर्थराइटिस से है वो एज है। ये आपको यंगर एज में भी मिल जाएगा, ओल्डर एज में भी मिल जाएगा। यंग एज होगी तो आप कह सकते हैं कि भाई इससे हम जायंट सेल आर्थराइटिस को एक्सक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं। एंड देन जायंट सेल्स आपको मिलेंगे, थ्रोम्बोसिस आपको मिलेगा, एनका पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। ये एक और डिफरेंशिएटिंग फीचर है, देखें इन दोनों में आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन वी कम टू शग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। इसमें आपको थोड़ी मीडियम और स्मॉल साइज वेसल्स मिलेंगी, कैपिलरीज वेन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको सारे किस्म के जो है वो इंफिनिटी सेल्स मिलेंगी, लेकिन इसमें इयोसिनोफिल्स का होना जरूरी है। तो इयोसिनोफिल्स होंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये जो है वो शग-स्ट्रॉस सिंड्रोम है। उसके बाद ग्रैनुलोमास आपको कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, जायंट सेल्स नहीं मिलते। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, देखें ये और ये साइज में ओवरलैप कर रहे हैं। सो यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू एज वेल वेरी क्लियरली कि इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं जो कि इसमें नहीं है, इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं जो इसमें नहीं है। एंड देन थ्रोम्बोसिस कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। एनकास आपको मिलती है, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि क्लिनिकल केस के अंदर एओटा इन्वॉल्व है, मगर साथ में मीडियम साइज वेसल भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसका और इसका एक सॉर्ट ऑफ जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ एओटा इन्वॉल्व हो सकती है और साथ में दूसरी भी हो सकती है, यहाँ दूसरी वेसल इन्वॉल्व हो सकती है, और साथ में यहाँ पे आपको शग-स्ट्रॉस में एस्मा का कॉम्पोनेंट मिलेगा, एलर्जी का कॉम्पोनेंट मिलेगा। पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा के अंदर अगेन आपको मिडिल टू स्मॉल साइज वेसल्स मिलेंगी, और ये बाकी सारे फीचर्स जो है इनकंसिस्टेंट हैं। यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी एज सच, ये थ्रोम्बोसिस और एनका मिलेंगी आपको, और एज क्लिनिकल हिस्ट्री में कोई भी एज हो सकती है। लिकोक्लास्टिक वैस्कुलाइटिस भी जो है वो इसी तरह का है। देन बर्जर्स डिजीज के ऊपर मैं आ जाता हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें एक बड़ा शौक से लोग एमसीक्यू बनाते हैं, एंड दैट इज दिस यंग मेल स्मोकर। और इसके अंदर आपको नॉर्मली जो फिंगर्स हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है, और ऐसा होता है कि एट टाइम्स ये फिंगर्स जो हैं ये नेक्रोज हो जाती हैं बाकायदा। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैस्कुलाइटिस, ठीक है। और टाइम जो है जनाब खत्म हो गया है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ये जो सारे फीचर्स हैं ये मैंने खोल कर नेक्स्ट आगे कमिंग स्लाइड जो है इसमें लिख दिए हैं। एक हम छोटी सी बात और कर लेते हैं कि जो हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस वैस्कुलाइटिस है उसमें हमारे पास या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन है, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज है, इनकी टाइप्स है कि किसके अंदर क्या मिल जाएगा, एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडीज है, ये कावासाकी डिजीज में मिलेंगी, ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स है। समिंग इट अप, बाकी सारे वैस्कुलाइटिस जो है ना आगे आपको अगली 10 स्लाइड्स के अंदर एक एक करके अलग अलग सिम्टम्स जो मैंने पीछे कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताए हैं वो डिटेल से मिल जाएंगे, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। If you have any question, we can you can discuss me or with me on email. I think if you have any questions, you can ask in chat, and I can probably respond to it. Jitna time mere paas meeting ka reh gaya hai, us hisab se. Well, I'm not happy with what I delivered today because aaj jo hai wo thodi gadbad si ho gayi thi beech mein, but lekin ye ki I hope ki aap logon ko samajh mein aaya hoga. The previous one was much better. Theek hai jnab, thank you very much. If you don't have any questions, you have my email. Main do bacche mere paas in contact hain, ek DIMC se Dua Bushra aur DMC se Nurul Ilma Hassan, Hafiza Nurul Ilma Hassan. So I will email the slides WhatsApp the slides to them, aur aap in logon bachchon ko pakad lijiyega aur inse ye slides le lijiyega. और बाकी ये कि अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अलग से, लेकिन आपको इनके थ्रू मिल जाएंगी, तो इनको छोड़िएगा नहीं,
इनको तो पकड़ के रखिएगा, मैं इंशाल्लाह आज शाम तक स्लाइड्स इनको भेजता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आप लोगों से कल भी मुलाकात होगी। इतनी जल्दी मेरी मेरे से जान छूटने वाली नहीं है आपकी, तो कल प्रॉबेबली मेरा लास्ट लेक्चर होगा आप लोगों का इस मॉड्यूल का, एंड देन आई विल सी यू इन फोर्थ ईयर। इंशाल्लाह अल्लाह सर, हाफिज। यमुना यमुना बुक का नाम पूछ रही हैं आपसे। अच्छा राइट, डिफरेंट मैं लिख टाइप कर दे रहा हूँ, डायग्नोसिस चल ओ ये प्राइवेट चला गया, सॉरी। आप अपनी स्लाइड यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे अपलोड होंगी भाई? ये चैट खुले, चैट खुली भी है, फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल का ऑप्शन आ रहा है, कंप्यूटर डेस्कटॉप, फाइल शेयर ये मेरी करना। स्लाइड्स अभी रखी हुई है, ये गई। ओ ये नहीं आपने सर, अच्छा काम किया है, ज़बरदस्त। थैंक यू, चलो भाई तुम लोग यहीं से डाउनलोड कर लो, मुझे अलग अलग नहीं भेजनी पड़ेंगी। फटाफट डाउनलोड कर लो, क्लास एंड हो जाएगी तो ये चैट चली जाएगी। बस ये एंड होने ही वाली है। नहीं नहीं चलेंगे, मैं थैंक यू 5 मिनट सो चढ़ मच। जाऊंगा। ठीक है अच्छा सर, थैंक यू इंशाल्लाह फिर सो आप मच। लोगों से पूर्व मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज। बस ये स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लें तो ठीक फिर है भाई, मैं क्लास ऑफ उनको नहीं मिली। कर, कोई फाइल नहीं है। चलिए सर छोड़ दें, वो मेरे ख्याल चलो में आपने मैं भी इन दोनों बच्चों को भेज दूंगा, कोई स्पेसिफिक, मसला नहीं। ये सिर्फ किसी, हाँ टू एवरीवन गई है। ठीक है, आप कर दिएगा मेल भी। ठीक है, ओके गॉट बच्चों, इट थैंक यू सर, सो गॉट मच। इट, मिल ओके गई लोगों को। ओके ओके ओके, गुड, अल्लाह हाफिज़।